हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द येट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस कि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर राउंड वन चॉइस फिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो देख के आपको बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, स्ट्रिक्ट फॉलो टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर राउंड वन की चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पर मैं अभी बोर्ड के ऊपर हूँ। मैंने जिस तरह से मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग दिखाया था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। मतलब उसमें मैं बताऊंगा कि लेट्स से दैट कि आपको यहाँ पर इस रैंक के ऊपर एडमिशन मिल रहा है, तो फिर उसके पीछे के पेज के ऊपर मैं क्या करूंगा, उसके पीछे के पेज के ऊपर मैं यहाँ पर आपको राउंड नंबर वन की चॉइस फिलिंग समझा दूंगा कि राउंड नंबर वन की चॉइस फिलिंग मॉक राउंड के डेमो के ऊपर से आप किस तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो वही सब कुछ मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से लेके आया हूँ कि जिसके अंदर मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल डमी डेटा लेके यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रखूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्वेस किए, उसमें मुझे पता चला है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरिट रैंक 5000 से कम है। अगर मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक 5000 से कम नहीं है, ऊपर है, तो भी उसमें कोई गलती मतलब गलत बात नहीं है, आप इस एग्जांपल से इजीली यहाँ पर समझ पाओगे। तो लेट्स से कि यहाँ पर आपका मेरिट रैंक है कौन सा है, 700 इज योर मेरिट रैंक। आपको यहाँ पर मैं मॉक राउंड का चॉइस फिलिंग दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको राउंड नंबर वन का चॉइस फिलिंग दिखाऊंगा। कुछ दो तरह से मैं यहाँ पर आपके मॉक राउंड और राउंड नंबर वन के आपको यहाँ पर मैं चॉइस फिलिंग करके देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉक राउंड। तो यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे DAICTs में मॉक राउंड से। दूसरे नंबर पर मैं ऐड करूंगा निर्मा यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर मैं ऐड करूंगा DDU, चौथे नंबर पर मैं ऐड करूंगा LD और पांचवें नंबर पर मैं ऐड करूंगा MSU। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं छठे नंबर पर यहाँ पर ऐड कर दूंगा BGEC, सातवें नंबर पर मैं ऐड करूंगा GEC गांधीनगर, आठवें नंबर पर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कौन सी, GH पटेल। तो मैं यहाँ पर कुल आठ कॉलेज यहाँ पर मॉक राउंड के लिए चॉइस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, डू नॉट वरी, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। तो व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है तो उसमें आप मतलब कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट मैं डेटा नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिनेरियो क्या लिया है कि कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरिट रैंक कितना है, कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरिट रैंक है 700। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों के साथ मतलब मैं सिर्फ आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई लेट्स से दैट कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 700 पे कोई स्टूडेंट्स को कौन सी ब्रांच में जाना है, लेट्स से दैट कि कंप्यूटर IT ICT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस AI ML जो भी कॉलेज में मिले उसमें। तो फिर उसने चॉइस फिलिंग किस तरह से किया, तो यहाँ पर उसने चॉइस फिलिंग किया कि स्टार्ट किया DAICTs से, निर्मा यूनिवर्सिटी, धर्मसिंह जी देसाई यूनिवर्सिटी ऐड करने के बाद LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराजा सयाज राव यूनिवर्सिटी, BGEC, GEC गांधीनगर और GH पटेल। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग की है। लेट्स से दैट कि ये आठ चॉइस फिलिंग करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सी कॉलेज में मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉलेज नंबर 6 एंड विच इज योर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि छठे नंबर पर। तो इसका मतलब है कि DAICTs में नहीं मिल सकता है, निर्मा में नहीं मिल सकता है, DDU में नहीं मिल सकता है। ऊपर की तीन कॉलेज में तो 110% चांसेस नहीं है, बट चांसेस किसमें, LD MSU VGEC और उसके बाद नीचे आने वाली सारी कॉलेज। तो अब मैं यहां पर इंस डेमो से यहां पर राउंड वन की चॉइस फिलिंग किस तरह से करूंगा, राउंड वन की चॉइस फिलिंग में कुछ इस तरह से करूंगा कि यहां पर मैं यहां पर ऊपर की कॉलेज को निकाल दूंगा, यानी कि लेट्स से दैट कि मैं यहां पर ही चेंजेस कर देता हूं। तो यहां पर मैं अब आपको राउंड नंबर वन की चॉइस फिलिंग दिखाने वाला हूं कि राउंड नंबर वन की चॉइस फिलिंग में किस तरह से करने वाला हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी प्रॉपरली इरेज दिस ताकि यहां पर आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से यहां पर आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर राउंड वन की चॉइस फिलिंग जब भी करने जाए ऐसी कॉलेज को निकाल दीजिए कि जिसमें आपको लगता ही है कि आपका 110% एडमिशन नहीं ही होगा, ऐसी कॉलेज को आप रिमूव कर सकते हो, ऐसी कॉलेज को रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए LD से, उसके बाद यहाँ पर आप MSU से स्टार्ट करें, उसके बाद यहाँ पर VGEC से स्टार्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपने जिस तरह से किया था GEC गांधीनगर और GH पटेल, जो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मॉक राउंड के अंदर मैंने कुल 8 चॉइस फिलिंग की थी, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 चॉइस फिलिंग की है कि जिसके ऊपर में मैंने 3 कॉलेज को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि उस 3 कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। और वो 3 कॉलेज कौन कौन सी थी, वो 3 कॉलेज यहाँ पर थी DAICTs, निर्मा और DDU की, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं थे। तो मैंने क्या किया, वो कॉलेज को ही यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर ये जो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर देता हूँ, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर जो कॉलेज मिली थी वो तीसरे नंबर की कॉलेज कौन सी थी, तीसरे नंबर की कॉलेज थी यहाँ पर विश्वकर्मा
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने चांस लिया है कि एलडी या फिर एमएसयू में आपको मिलने के चांसेस है कि नहीं। अगर मिल सकता है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पर वीजीएससी तो आपको मिला ही था, वीजीएससी के नीचे की सारी की यहाँ पर कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं इसी वीडियो में क्या कवर करना चाहता हूँ एंड दैट इज़ कि डिफरेंस कितना होगा। लेट्स से दैट कि आपका मेरिट रैंक है यहाँ पर 700, वीजीएससी का कट ऑफ क्लोज हुआ है 730 पे और एमएससी का कट ऑफ क्लोज हुआ है 690 पे। तो दोस्तों इस रैंक पे यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के 110% चांसेस है। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी वन मिनट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओके या। तो यहाँ पर मैं समझाना ये चाहता हूँ कि एमएसयू के अंदर मान लीजिए कि 690 के अंदर कट ऑफ क्लोज हुआ है, कहाँ पर, एमएसयू के अंदर 690 पे यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हो रहा है। तो एमएसयू के अंदर मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर आपका मेरिट रैंक है 700, एमएसयू का कट ऑफ क्लोज हुआ है 690 पे, तो यहाँ पर आपका एडमिशन मिलने के चांसेस है। लेट्स से देखिए वीजीएससी का यहाँ पर 560 पे क्लोज हुआ है, आपका यहाँ पर 700 है, तो इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इतना डिफरेंस कवर नहीं होता है जनरली, हाँ, बट 10 पॉइंट और 50 से भी कम है तो फिर यहाँ पर आपका बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा और उसके बाद ये वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट आपका क्या होगा, लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट पॉइंट में कितना ज्यादा डिफरेंस पे यहां पर आपकी कॉलेज कवर होने के चांसेस है। ठीक है, अब नाउ लेट्स से कि यहां पर आपको मेरिट रैंक है 1000 से अंदर है, ठीक है, लेस देन 1000, तो फिर यहाँ पर नियरली इक्वल टू 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा ना ऊपर के लेवल के कॉलेज में, तो फिर यहाँ पर आपके एडमिशन मिल जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि लेट्स से दैट कि योर मेरिट रैंक इज लेस देन 1000, तो फिर यहाँ पर आपको आपको जो मोक राउंड में कॉलेज मिली है उसके ऊपर के लेवल में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। लेट्स से दैट कि योर मोक राउंड इज लेस देन 5000, मतलब 5000 से अंदर है, तो फिर यहाँ पर आपको 500 पॉइंट तक भी यहाँ पर छूट मिल सकती है। यानी कि लेट्स से दैट कि आपका यहाँ पर मेरिट रैंक है 4000, आपको यहाँ पर लेट्स से थे कि यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर आपको इंडस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है और इंडस के जस्ट ऊपर जीएस पटेल है, तो लेट्स से दैट कि यहाँ पर आपका मेरिट रैंक है 4000, आपको किस में मिला है, आपको मिला है इंडस के अंदर और आपको किस में जाना है, आपको जाना है जीएच पटेल में। तो यहाँ पर लेट्स से थे कि इंडेक्स का इंडस का यहाँ पर 4200 है और यहाँ पर जीएच पटेल का 3800 है, तो फिर यहाँ पर आपको जीएच पटेल में एडमिशन मिलने के चांसेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने क्या कुछ समझाया है, 4000 आपका मेरिट रैंक है, इंडस में आपको मोक राउंड में एडमिशन मिला है कि जहाँ पर कट ऑफ कहाँ पर जा रहा है, जहाँ का कट ऑफ जा रहा है 4200 पे, उसके ऊपर आपको जाना है जीएच पटेल में कि जिसका कट ऑफ है 3800, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का फर्क है दोस्तों, यहाँ पर आपके हाई चांसेस बनते हैं जीएच पटेल में एडमिशन मिलने के। तो कुछ ऐसा स्मार्ट तरीके से कुछ सोचिए, अगर आप सोचने के स्टाइल को बदल देंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट यही करना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप, एक टेलीग्राम की कम्युनिटी स्टार्ट कर दी है कि जिसके अंदर आप यहाँ पर जाके यहाँ पर आपकी आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि उसके साथ यहाँ पर आपको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।